योगी सरकार एक ऐसा प्लान लेकर आने वाली है कि विपक्ष हैरान रह जाएगा, उसकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। सीएम योगी जल्द कुछ ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं जिससे 2024 क्या हर चुनाव में बीजेपी को लबालब वोट मिलने वाला है, वोट ही वोट मिलेंगे। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन इसका रिहर्सल कर दिया है। जो परिणाम सामने आया है उसका सक्सेस रेट 100% है। ये यूं ही बातें नहीं है, हवा में छोड़ी हुई कोई हवाई बात नहीं है, ये दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है। अखिलेश से लेकर मायावती सब अभी सियासत की जमीन पर जातीय गणित को फिट करने में जुटे हैं। यूपी में कांग्रेस के सारे दिग्गज बिहार की ओर मुंह ताके खड़े हैं। दिल्ली में बैठी सोनिया नीतीश के अपने पाले आने से उम्मीदों के सपने में बह रही हैं। राहुल अभी प्राइम मिनिस्टर बनने की बात भूल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गलतियों को निकालने में बिजी हैं। प्रियंका की बात ही छोड़ दीजिए। इसी बीच यूपी से होकर दिल्ली जाने की राह पीएम मोदी के सिपहसालार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासत की नई सड़क बना दी है, जिस पर बीजेपी की गाड़ी तेज दौड़ने वाली है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूपी में सीएम योगी ने आधी आबादी के दिल में अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। यूपी की योगी सरकार बहुत जल्द राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। यूपी की महिलाओं को ऐसी सुविधा देने पर विचार कर रही है जो यूपी में लागू हो गया तो पूरे विपक्ष के लिए सदमे जैसा होगा। यूपी सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए राज्य परिवहन बसों में फ्री बस सेवा देने पर गौर कर रही है। अपने इस मास्टर प्लान के एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल योगी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन किया है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को 48 घंटे के लिए मुफ्त बस सेवा मुहैया कराई है। रक्षाबंधन के इस अवसर को ध्यान में रखते हुए 150 नई बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हर जिले के लिए 2 बसें आवंटित की गई हैं। 48 घंटे के लिए राज्य की सभी महिलाएं 12 अगस्त की आधी रात तक मुफ्त बस सेवाओं का लाभ उठा पाएंगी। ये रियायत रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को सीएम योगी की तरफ से एक तोहफा है। कहा जा रहा है कि ये कदम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उठाया गया है और 48 घंटे की अवधि के लिए राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन इसके बाद सरकार महिलाओं के लिए अपनी फ्री बस सेवा का विस्तार करेगी। सीएम योगी ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। कहा है कि हम रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को 48 घंटे के लिए मुफ्त बस सेवा मुहैया करा रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मदद से 60 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं के लिए ये फ्री सेवा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी की जीत पक्की करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक बड़े प्रयास को अपने जज्बे से साकार करने का मन बनाया है। तय है इससे यूपी की आधी आबादी का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ेगा और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, जिसका परिणाम विपक्ष पर भारी पड़ सकता है।